नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमन सहाय है। हम एक वैज्ञानिक हैं, एक साइंटिस्ट हैं, और हम चाह रहे थे कि कुछ हम लोग चर्चा करें क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज जिसको कि जलवायु परिवर्तन भी कहते हैं, जिसको मौसम में बदलाव भी आप कह सकते हैं, पर आमतौर पे लोग क्लाइमेट चेंज ही कहते हैं, तो हम लोग भी क्लाइमेट चेंज का शब्द ही इस्तेमाल करेंगे। हम इसलिए चाह रहे थे क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी जल्दी हमारे मौसम में परिवर्तन आ रहा है। गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। जब बरसना चाहिए तब बरसता नहीं है, और जब नहीं बरसना चाहिए तो जम के बरसता है। तो ये जो सारे के सारे मौसम में उथल पुथल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ये किस तरह से हो रहा है, ये वैज्ञानिकों ने काफ़ी सालों से इसका अध्ययन किया है और ये समझ में आया है कि हमारा मौसम जो है, पृथ्वी का मौसम जो है, वो बुनियादी तौर पे बदल रहा है। बदल रहा है कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, और बदलने के मतलब ये नहीं है कि हम कह सकते हैं कि ये कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है। इस बदलाव का जो सबसे बड़ा और चिंताजनक पहलू है वो ये है कि हमको मालूम ही नहीं है कि हम क्या चीज़ इस परिवर्तन में क्या चीज़ देखने को मिलेगी। क्या बाढ़ आएगी या सूखा आएगा, क्या बहुत ज़्यादा तूफान आएंगे या बिल्कुल नहीं हवा चलेगी। तो यही सबसे ज़्यादा घबराने वाली बात है कि ये जो बदलाव है इसको हम समझ में नहीं पाते हैं कि कब क्या हो जाएगा, जिस वजह से इससे खतरा और भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहली चीज तो है ये समझना कि ये क्लाइमेट चेंज हो कैसे रहा है, ये कहाँ से ये बला आ गई, और ये बला हमारी खुद की बनाई हुई है। क्लाइमेट चेंज कहीं और से नहीं आया है, हमारे ही करे हुए करतूतों का नतीजा है। और जैसा कि साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि जब से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में शुरू हुआ था, जबकि बड़ी बड़ी मशीनें जैसे कि रेलगाड़ी भी, इन सब चीज़ों का आगाज हुआ था, और एकदम से बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज की स्थापना हो गई कुछ एक छोटे समय में 19वीं शताब्दी में, और इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो कुछ कुछ साइंटिस्टों ने देखा है कि ये मौसम का बदलाव करीब करीब उस समय से शुरू होता है, मतलब आज से 200 साल पहले से। ये होता कैसे है? ये होता है क्योंकि हम अपने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, अपनी जलवायु में, हम बहुत सारा फैक्ट्रियों का धुआं छोड़ रहे हैं, और ये धुआं जो है तरह तरह की गैस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, तरह तरह की गैस है जो इस पूरे धुआं जो पृथ्वी की जलवायु में फैल रहा है, और ये एक तरह से पृथ्वी के ऊपर एक टोपी सा पहना दे रहा है। और ये टोपी पहनाने के मतलब पृथ्वी की जो जलवायु खुली हुई थी, हवाएं बहती थी, इधर से उधर हवाएं जाती थी, मौसम एक तरह से संतुलित था, तो उसमें बदलाव आने लगा। इतनी सारी गैसें जब हमारी जलवायु में जाने लगी तो ये जो गैसें थी ये इकट्ठा होने लगी, इकट्ठा होके एक तरह से गैसों की एक टोपी से बनने लगी। तो ये जो टोपी थी, इस वजह से पृथ्वी जब गर्म भी होती थी तो ठंडी भी होती थी, लेकिन अब जब गर्म होती थी तो उतनी जल्दी ठंडी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ऊपर से इसके ऊपर से एक ढक गया था, जैसे कि पृथ्वी के ऊपर एक कंबल डाल दिया गया हो, डाला जा रहा है, वो अभी भी हो रही है, प्रक्रिया अभी भी हो रही है। तो ये अगर आप इस तरह से समझें कि जब चौके में एक चूल्हा जलता है और उसमें से धुआं निकलता है, अगर एक चूल्हा जल रहा होगा और खिड़की खुली होगी तो धीरे धीरे वो धुआं कुछ समय तो चौके के अंदर रहेगा, कमरे के अंदर रहेगा,
लेकिन धीरे धीरे ये धुआं जो है वो खिड़की से बाहर निकल जाएगा और चला जाएगा। लेकिन उसी चौके में अगर आप 10 चूल्हे जला देंगे तो वो धुआं फिर इकट्ठा ही होगा, वहां उस कमरे में इकट्ठा होगा। और धुआं क्योंकि छत के ऊपर की तरफ जाता है, वहां उस कमरे के अंदर वो एक धुआं की टोपी सी या कह लीजिए धुआं का कंबल सा बिछ जाता है और वो कमरा फिर बहुत गर्म होने लगेगा। वही हाल पृथ्वी का हो रहा है। हमारी धरती जो है जब धूप पड़ती है, जब जब गर्मी का मौसम होता है तब गर्म होती है और फिर धीरे धीरे ठंडी भी हो जाती है। लेकिन ये जो संतुलन है इसमें अब बाधा आ गई है, क्योंकि ठंडी होने के लिए पृथ्वी की जलवायु को खुला होना होगा। जो पहले थी, हमारा जलवायु पहले खुला था, अब नहीं है। तो ये गैसें आ कहाँ से रही हैं? जैसा हमने कहा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय इतनी सारी फैक्ट्रियां लगने लगी पश्चिमी देशों में। हमारे यहाँ तो तब भी खेती का ही दौर चल रहा था। इतनी सारी फैक्ट्रियां लगने लगी कि ये सारे इसके जो गैस थे, इसके जो धुआं था, आपने भी देखा होगा कहीं ईंट का भट्टा ही सही, लेकिन कहीं पे भी फैक्ट्री अगर लगी होगी, काला काला धुआं उसमें से निकलता है। अब तो खैर प्रदूषण पे कुछ नियंत्रण किया गया है तो उतना नहीं दिखता है, लेकिन हमारे बचपने में हमको याद है, और आप लोग जो हमारे उम्र के होंगे आपको अपने बचपने का याद होगा, जबकि आए दिन आपको दिखता था कहीं ना कहीं फैक्ट्री जिसमें से खूब काला काला धुआं जो है वो निकलता होता था। तो एक तो हुई फैक्ट्रियां, ईंट के भट्टे भी, इनमें से धुआं निकलता है। फिर गाड़ियों का हाल देखिए, ट्रकें हैं, बसें हैं, गाड़ियां हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इतने वाहन हो गए हैं। आप ट्रैफिक जैम देखते हैं तो ट्रैफिक जैम में जो वाहन चलते हैं उसका जो एग्जॉस्ट का गैस होता है वो जा तो रहा ही है ना, एकदम से घने तौर पे जा रहा है हमारी जलवायु में, और वही कंबल बनाता चला जा रहा है जिससे कि पृथ्वी अपनी गर्मी को फेंक नहीं पाती है। तो इसी वजह से पृथ्वी गर्म होती चली जाती है। तो अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, मतलब धरती का गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना। तो ग्लोबल वार्मिंग से जो जो चीजें, जो जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। अभी पहले हम लोग समझ लें कि ये कहाँ कहाँ से ये गैसें आती हैं, ताकि हम समझें कहाँ कहाँ पे हम लोग की दखल होनी चाहिए इन चीजों को कम करने के लिए। क्योंकि अगर कम नहीं करेंगे और इस तरह से पृथ्वी गर्म होती चली जाएगी तो फिर यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि इस पृथ्वी, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब पिछले 100 साल में करीब करीब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान धरती का औसतन बढ़ गया है। मतलब जो पहले धरती जिस तापमान के रेंज में रहती थी, जिस टेम्परेचर रेंज में रहती थी, उससे 1 डिग्री और गर्म हो गई है पृथ्वी। और ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे इसको रोकने के लिए, और ये होता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक, अभी हम लोग 2022 में हैं, तो 2050 तक, मतलब आज जो बच्चा पैदा होगा जब वो 28 साल का होगा, तो इस धरती का तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगा। अब 5 डिग्री सेल्सियस जो धरती गर्म हो जाएगी उसमें इतने परिवर्तन आएंगे, इतने बुरे परिवर्तन आएंगे कि शायद यहाँ पे कई इलाकों में रहना संभव नहीं रहेगा। अब जैसे हम लोग के जो गर्म देश हैं, जो आज के जैसे भारत है, हमारा अपना देश एक गर्म देश है, एशियाई देश गर्म देश है, अफ्रीका गर्म देश है, यहाँ पे अगर तापमान इतना बढ़ा और हमने इसके बारे में कुछ किया नहीं तो यहाँ शायद रहना संभव नहीं रहेगा। जो ठंडे देश है उनमें तो अच्छा होगा, क्योंकि वो जो बर्फ उनके यहाँ पड़ी है वो अगर
पिघलती है और इतना इतनी ठंड नहीं पड़ती है, तो उनके लिए तो तब भी ठीक रहेगा। लेकिन हमारे देशों में इस तापमान की बढ़ोतरी से जो स्थिति पैदा होगी वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। तो इसलिए हमको ये समझना है और अच्छी तरह से समझना है कि हमको इसको रोकना होगा कि तापमान इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि 2050 तक ये नौबत आए कि 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आज की तारीख से बढ़ा हुआ होगा। चलिए लौटते हैं कि ये गैसें आती कहाँ से हैं। एक तो हो गया फैक्ट्रियों से, दूसरा हो गया वाहनों से, गाड़ियों से। अच्छा, हम जो ये धरती से पेट्रोल वेट्रोल निकालते हैं, मतलब पेट्रोल डीजल की जो रॉ मटेरियल निकालते हैं, गैस निकालते हैं, बहुत सी हमारी ऊर्जा जो है वो गैस से भी आती है, गैस की पाइपलाइंस बिछी होती हैं। इससे गैस निकलती है मीथेन। मीथेन भी बहुत खतरनाक गैस है जो कि धरती को गर्म करती है, जो कि वो कंबल बनाती है। फैक्ट्रियों से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी अपनी सांसों में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने में तो कोई खतरनाक चीज़ होती नहीं है, बिल्कुल ही एक प्राकृतिक चीज़ है। लेकिन किसी भी चीज़ की अगर इतनी अति हो जाए तो वो खतरनाक हो जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जिस मात्रा में जलवायु में जा रहा है, उस मात्रा को हमारी धरती की जलवायु बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और वो कंबल जो हमारे ऊपर पड़ता जा रहा है वो मोटा होता चला जा रहा है। तो पतला, अब जब आप भी जब दोहर ओढ़ते हैं, हल्की चादर ओढ़ते हैं, तो आपको उतनी गर्मी नहीं लगती है, लेकिन जब आप कंबल डाल लेंगे, मोटा सा कुछ डाल देंगे, तो आपका शरीर गर्म हो जाएगा। वही पृथ्वी के साथ हो रहा है। जब वो कंबल जो है ग्रीन हाउस गैस का, वो मोटा होता चला जाएगा तो धरती और गर्म होती चली जाएगी। तो एक हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हुआ मीथेन, और है नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन से जो बनती है गैस नाइट्रस ऑक्साइड, और कुछ जो हम लोग फ्रिज और एयर कंडीशनर्स इस्तेमाल करते हैं, इनमें जो गैस डाली जाती है ठंडक पैदा करने के लिए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि इस मोटे कंबल को मोटा करने में अपना योगदान देती है। और इसी तरह से हम इतने गैसें छोड़ते चले जा रहे हैं, कभी इस क्षेत्र से कभी उस क्षेत्र से, कि हमारा ये धरती को कोई मौका ही नहीं मिलता है थोड़ा सा सस्ताने का, थोड़ा सा अपने आप को ठंडा करने का। जब आज की तारीख में अगर हम देखें तो कुछ ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब से वैज्ञानिकों ने और सरकारों ने देखा कि ये तो भैया बड़ी बुरी चीज़ हो रही है, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये निकलती चली जा रही हैं, फैक्ट्रियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं। जब भी खनन होता है, जब हम कोयला निकालते हैं धरती से, तब भी उसके अंदर से मीथेन छूटती है, और ये सारी मीथेन जाती कहाँ है, हमारी जलवायु के कंबल में जाती है। तो अगर हम इस चीज़ को किसी भी तरह से रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आगे भविष्य में क्या होगा। और इस चीज़ को रोकने के प्रयास जितने भी हुए हैं अभी तक, एक सब सरकारों ने मिलकर, सब देशों की सरकारों ने मिलकर एक संगठन बनाया, इंटर गवर्नमेंटल प्लानिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब IPCC। तो इंटर गवर्नमेंट पैनल जो है वो सब देशों की भागीदारी से बनाया गया कि भैया कुछ तो करो, ये तो इस तरह से अगर जलवायु परिवर्तन होता गया और मौसम में इस तरह का बदलाव आता गया तो आगे तो बहुत ही खराब समय दिख रहा है। लोग कहते जाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। हर साल या हर तीसरे साल जब इन देशों की मीटिंग होती है IPCC की, तो सब कहेंगे कि हाँ भैया फैक्ट्रियां कम करनी चाहिए और वाहनों की संख्या कम करनी चाहिए
अब टेक्नोलॉजी ऐसी लानी चाहिए कि वाहन से जो मतलब मोटर हो या ट्रक हो या बस हो या बाइक हो, उससे जो गैस एग्जॉस्ट की गैस जो निकलती है उसमें जो जो ग्रीन हाउस गैस है वो कम होए। तो कहते तो सब है, करता कोई नहीं है। अभी भी मतलब अभी हाल में सितंबर में लास्ट मीटिंग हुई थी, सबने कहा ये करो वो करो, हम करें तुम करो, किया किसी ने भी नहीं, किसी ने कमिटमेंट नहीं दिया है, लोग कहते जाते हैं। तो अगर सच पूछिए तो हम जब स्थिति को देखते हैं तो बड़ा डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि हमको दिखता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें दखल रखने की इच्छा रखते हैं, और ये इच्छा तो रखनी पड़ेगी देश, हर देश के नेतृत्व को, सरकारों को, सरकार के हाथ में है कि वो कहे कि भाई वाहनों की संख्या कम करनी होगी, हम गाड़ियों को इतना नहीं सड़कों पे आने देंगे, बसें चलेंगी जिसमें कि ज़्यादा लोग एक वाहन में आ सकें, और इतनी सारी गाड़ियाँ, इतनी सारी बाइक, मतलब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को घटा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए, ताकि एक जब गाड़ी चले तो उसमें कम से कम 20-30 लोग जा सकें। अभी तो एक गाड़ी में एक आदमी, एक महिला जाती है, वो भी जाता है एक एक वाहन में एक। आप देखिएगा सड़क पे कितनी ऐसी गाड़ियां हैं, जब लोग ऑफिस जाते हैं सब अपनी गाड़ी चला चला के जाते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल उतना अच्छा बिछा ही नहीं है। इन चीज़ों पे बहुत जल्दी कुछ हमें करना होगा, नहीं तो ये स्थिति तो बिगड़ती चली जाएगी। और इस तरह की अगर ग्लोबल वार्मिंग पे अंकुश नहीं लगा तो उसके नतीजे तो आप देखने लगे हैं। आप देख रहे हैं पहाड़ों में, आप पूछे लोगों से पहाड़ों में, जैसे चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, पूर्वोत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं, सब लोग आपको एक चीज कहेंगे कि मौसम गर्म हो रहा है। हमारी संस्था जीन कैंपेन, जो कि क्लाइमेट चेंज पे काम करती आ रही है पिछले कई सालों से, हमने कई सर्वे भी किए हैं, किसानों से बात की है, ग्रामीण समुदाय में लोगों से बात की है कि आपको कुछ पिछले सालों में कुछ फर्क दिखता है, और सबके मुंह से एक जवाब आता है, हाँ सब मौसम बिल्कुल बिगड़ गया है। मौसम बिगड़ गया है माने गर्म होता जा रहा है। अब पहाड़ में वो बड़ी जल्दी महसूस करते हैं कि मौसम गर्म होता जा रहा है। तो ये सिर्फ वैज्ञानिक जो है वो शोध करके नहीं पता करते हैं, मतलब वो करते तो हैं ही, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ ये साइंटिफिक डेटा है या ये साइंटिफिक एविडेंस है, ये लोग अब महसूस करने लगे हैं। अब आप सोचिए राजस्थान में बाड़मेर जैसी जगह, जहाँ पे भी शायद 5 साल में पानी बरसता है, मतलब कहने की बात है, 3 साल पहले वहाँ बाढ़ आई थी, मतलब बिल्कुल ही पागल सी स्थिति हो गई है, रेगिस्तान में बाढ़। और जब पानी बरसना चाहिए, जहाँ बरसना चाहिए वहाँ सूखा। ज्यादा आप ना देखें, आप अगर इसी साल को देखें तो उत्तर भारत में यूपी बिहार वो इलाका जहाँ धान पैदा होता है, वहाँ पानी नहीं के करीब बरसा है, इतना कम बरसा है कि धान की बुवाई नहीं हो पाई है। जिनके पास ट्यूबवेल थे उन्होंने तो धान लगा लिया, जिनके पास नहीं थे उनको अपने खेत छोड़ने पड़े। तो ये जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है ना, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसने कि हमारी मॉनसून को बिल्कुल उठा के पटक दिया है, कब बरसना चाहिए कब बरस जाता है, कब जरूरत है तब सूखा रहेगा, जब नहीं जरूरत है तो हाड़ के बरसेगा। तो इससे बहुत नुकसान होता है। आप देख रहे हैं कि ये जो टाइफून और हरिकेन वगैरह हैं कितने ज्यादा हो गए, आए दिन कोई ना कोई हरिकेन, कोई ना कोई ये समुद्री तूफान। चलिए 2004 में सुनामी हो गई, बहुत कलह मचा की गई,
लेकिन अब तो आप देखिए ना, टाइफून और हरिकेन जो कि समुद्री तूफान होते हैं, जो बड़ी बड़ी तो बहुत स्पीड से हवा आती है और घर तक तोड़ के उठा ले जाती है, गाड़ियों को उठा ले जाती है, लोगों को दफन किया। इस वक्त अमेरिका में टाइफून आ रहे हैं, हरिकेन आ रहे हैं। कहाँ आते थे आए दिन? हमारे यहाँ उड़ीसा की तरफ, हमारे पूर्वी तट पे, वहां पे आते हैं। और अब पिछले सालों में आप देखिए बढ़ती चली गई है इनकी संख्या, और जो ये बर्बादी करते हैं तो वो सोच लीजिए। तो इस तरह से अगर ये हम, अब तो पहले, आज से कई साल पहले लोगों ने कहना शुरू किया था कि तापमान में बढ़ोतरी आना शुरू हो गई है, किसी ने कुछ नहीं किया, सब लोग अपनी फैक्ट्रियां लगाते गए, सब लोग अपनी गाड़ियां चलाते चले गए, और सब लोग ये कहते चले गए कि सब ये ग्रीन हाउस गैस जो है, ये गाड़ी वाड़ी से तो आते हैं, अच्छा ठीक है आते हैं, लेकिन ये कृषि क्षेत्र से बहुत आते हैं। कैसे भैया, कृषि क्षेत्र से कैसे आते हैं? तो हमारी जो गाय हैं, जब वो चारा खाने के बाद जुगाली करती चबाती रहती हैं, उसमें से मीथेन पैदा होती है, और जो जो उनके उनके पाचन के बाद जो गैस निकलती है उससे मीथेन पैदा होती है। मतलब आपके जो कोयले के खान हैं, आपके जो तेल के ऑयल की रिग्स हैं, जहाँ से कि आप धरती में से तेल निकालते हैं, जहाँ मतलब लाखों लीटर का सामान निकलता है, उसमें से जो मीथेन पैदा होती है और जो जो जलवायु को प्रदूषित करती है, उसकी आप तुलना कर रहे हैं गाय जो जो पाचन के बाद जो अपनी गैस छोड़ती है उससे? मतलब ये तो करे कोई और थोपे किसी और के सर पे, ये तो क्लाइमेट चेंज की विडंबना और क्लाइमेट चेंज की इनजस्टिस जो है वो ये है कि प्रदूषण किसी ने किया? प्रदूषण तो किया तो पश्चिमी देशों ने ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आया वहां, जिसका कि फायदा भी उन्होंने उठाया, और फायदा इस तरह से उठाया कि उस वक्त तो प्रदूषण नियंत्रण पे कोई ध्यान दिया नहीं था किसी ने, तो फैक्ट्रियां जब लगी तो मतलब अंधाधुंध उसमें से गैसें निकली और कोयला, मतलब जो काले रंग का जो कोयला होता है वो निकला, और प्रदूषण फैलाता हुआ वो कंबल की शुरुआत कर दी उसने। तो आज की तारीख में अगर हम देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बाकी देश भी मानते हैं, मतलब पश्चिमी देश भी मानते हैं कि प्रदूषण फैलाया तो उन्होंने। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, धरती की जो गर्म होना जो शुरू हुआ है, ये हुआ तो उनकी वजह से, पश्चिमी देशों की वजह से, उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, उनका डेवलपमेंट से। वहां कितनी गाड़ियां चलती हैं सड़कों पे हमारे मुकाबले में? और अगर खेती की, एग्रीकल्चर की ही बात है कि उसमें से मीथेन निकलता है, तो उनके यहाँ देखिए कितनी मोटी मोटी गायें जो है कितना कितना खाती हैं। मेरा ऐसा नहीं मानना है कि प्रदूषण को एक बहुत बड़ा स्रोत जो है वो खेती का क्षेत्र है, मेरा ऐसा नहीं मानना है, लेकिन अगर है तो पश्चिमी देशों की खेती में। आप उनकी गायों को देखिए, उनके उनका वो खाती क्या है, उनका चारा देखिए, हमारी बेचारी गाय क्या खाती है, होता होगा हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज किया किसने है? पश्चिमी देशों ने। उसका फायदा किसने उठाया है? पश्चिमी देशों ने। उससे अमीर कौन हुआ है? पश्चिमी देश में। उसके उसके उसको भोगा किसने है? पश्चिमी देशों में। उसको भुगता किसने है? हम लोगों ने, जो जो आज को कह लीजिए विकासशील देश है या पूर्वी देश है, जिस भी नाम से आप कहें, डेवलपिंग कंट्रीज के हैं, जो गर्म देश है, भुगत हम रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की मार हम पे पड़ रही है, जबकि हमारा योगदान उस जलवायु परिवर्तन में बहुत छोटा, नहीं के बराबर सा है। नहीं के बराबर तो हम नहीं कहेंगे, आज चीन और भारत दोनों अपना हिस्सा इन ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ा ही रहे हैं साल ब साल, लेकिन हम भुगत रहे हैं वो जो कि उन्होंने किया है।
इसमें अब हम दोष देने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस स्थिति को नियंत्रण में लाना है, क्लाइमेट चेंज को अगर उसके ऊपर अगर हमको कंट्रोल करना है, तो पश्चिमी देशों को हर तरह से टेक्नोलॉजी अपनी जो उन्होंने अब विकसित की है वो विकासशील देशों के साथ शेयर करनी चाहिए, और ताकि दुनिया विकसित और विकासशील देश मिलके उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रदूषण को कम करें, ये ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें, और जो 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 ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस पर अंकुश लगाए और इस धरती को बचाने का काम करें। और हम तो ये कहेंगे कि मनुष्य के आगे फ्यूचर को देखते हुए ये चीज़ बहुत जल्दी होनी चाहिए, और मेरा ये कहना होगा कि विकसित देश वेस्टर्न कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस चीज़ को फौरन से पेशतर करना चाहिए। धन्यवाद।